छठे चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें। पीएम मोदी ने मतदाताओं से ज्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 25.76% वोटिंग, दिल्ली में 21.69% मतदान हुआ तो यूपी में 27.06% वोटिंग हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डाला वोट, पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ किया मतदान। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना का केजरीवाल पर हमला, कहा सीएम केजरीवाल ने रोने की आदत बनाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली के मतदान केंद्र पर डाला वोट, विदेश मंत्री जयशंकर मनोहर लाल खट्टर ने भी मतदान किया। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने किया मतदान, वोट करते समय भावुक हुई स्वाति मालीवाल। जेजेपी प्रमुख अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के बाल भवन मतदान केंद्र पर मतदान किया। दिल्ली के निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया वोट। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में किया प्रदर्शन, पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का लगाया आरोप। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया वोट, राहुल गांधी भी रहे मौजूद, प्रियंका गांधी ने कहा संविधान और लोकतंत्र के लिए करें वोट। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। राजौरी अनंतनाग सीट पर दिलचस्प चुनाव, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर, वोट करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें। दिल्ली के हरिनगर में मतदान केंद्र पर वोटरों को मिला जन्मदिन का गिफ्ट, चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त टीम ने गिफ्ट हैम्पर और पौधा देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को पुलिस ने रोका, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेरा और हंगामा किया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बुजुर्ग मतदाता भी कर रहे हैं वोटिंग, पुलिसकर्मी बुजुर्ग वोटर की मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा, वोट करने के लिए लोगों का बढ़ाया उत्साह, कहा यह देश के लिए बड़े निर्णय का समय है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया मतदान, पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ वोट डाला। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया वोट, कहा लोकतंत्र की मजबूती और विकसित भारत के लिए करें वोट। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने डाला वोट, उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी ने जीत का दावा किया। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने पिता के साथ डाला वोट और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय खूनी खेल, मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी पर आरोप। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के प्लान से उठाया पर्दा, कहा न खाता हूं न खाने देता हूं, लेकिन फिर भी जिसने खाया है उससे निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरविंद केजरीवाल को यूटर्न नेता बताया, उन्होंने कहा कि नतीजों के दिन केजरीवाल जेल में ही होंगे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया मतदान, कहा वोट डालना लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा किया, कहा इस 10 की 10 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। तो देश भर में छठे दौर का मतदान जारी है, इसी के साथ हमारी महाकवरेज भी इस वक्त आपके सामने है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दोपहर 11 बजे तक करीब देश भर में 26% मतदान हो चुका है और अगर आपका वोट भी 58 सीटों में है तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाइए। चलिए, प्रतिशत के हिसाब से आपको इन तस्वीरों